हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकंड ईयर में हमारे जियोलॉजी वाले डायनासोर की जियोलॉजी को लेकर आज हम इस वीडियो में फूड स्टफ में लिपिड्स की चर्चा करेंगे। पोषण के बारे में समझेंगे। हमारी फिजियोलॉजी डाइजेशन की फिजियोलॉजी चल रही है और इसमें हम फूड कंपोनेंट फूड स्टफ्स के कंपोनेंट के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से थोड़ी जानकारी हम लिपिड जो भोजन का फूड स्टफ का महत्वपूर्ण घटक है इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम बात करें तो जो वसाएं हैं वसाओं में भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं, है ना। वैसे देखें तो जो लिपिड्स हैं वसाएं हैं वो क्या है, वसा अम्ल फैटी एसिड जो है फैटी एसिड से होते हैं। और हम कंप्लीटली इसकी बात करते हैं फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल भी होता है, ग्लिसरॉल। वैसे तो देखिएगा ग्लिसरॉल का एक अणु फैटी एसिड के तीन अणु आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, लिपिड का निर्माण होता है। ठीक है, लिपिड का निर्माण होता है और लिपिड के निर्माण के दौरान इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो जल का अणु बाहर निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है। तीन जल यहाँ पर तीन जल के अणु बाहर निकलेंगे, तीन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड में हम मानते हैं कि सी डब्ल्यू एच ग्रुप से जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक समूह, फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जुड़ा होता है और आगे कोई कार्बन की लंबी चेन होती है जैसे C17H19 सी डब्ल्यू एच, ये एक प्रकार का फैटी एसिड है। इसके हम क्या लेंगे, तीन अणु ले लेंगे और इधर ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल जैसा कि हम जानते हैं ये वाला ये हमारा ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल का हो गया और इधर ये एक फैटी एसिड है। दोनों को जोड़ेंगे इस तरीके से तो जो इसके तीन अणु होंगे उन तीनों में से एच यहाँ से और ओ एच यहाँ से निकलेगा तो कम्प्लीटली H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। तीन H2O मॉलिक्यूल निकलने के पश्चात एस्टर जो बनेगा वो हमारी फैट होगी, लिपिड होगी, वसा होगी, है ना। तो वसा इस प्रकार से निर्मित होती है और इसमें हम देख पा रहे हैं चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ पर देखें कम्प्लीटली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये तीनों चीज़ें लिपिड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में भी देखते वैसे देखें तो देखो लिपिड तो जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील होती है, घुलनशील है ना, लिपिड जल में घुलती नहीं है ये हमें पता है। लेकिन जो कार्बनिक मिलायक हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे हम बात करते हैं ईथर की या फिर हम कहें बेंजीन, है ना, ऐसे जो कार्बनिक मिलायक हैं उनमें वसा आसानी से घुल जाती है, जल में नहीं घुलते। लेकिन कार्बनिक मिलायकों में वसा सोल्युबल होती है। इस तरह की जो व्यवस्था है वसा के अणु से बनते हैं तो हम वसा को फिर हम ट्राइग्लिसराइड कह सकते हैं। ठीक है, वसाएं क्या होती है, ट्राइग्लिसराइड होती है। ट्राइग्लिसराइड आपको ध्यान रखना है, वसाएं ट्राइग्लिसराइड है ना। और वसा को भी अलग अलग तरीके से स्रोत के रूप में
स्रोत देखें तो दूध दही मक्खन है, सूखे मेवे हैं, वनस्पति तेल है, तो वसाएं संस्कृति पाई जाती है। अब इसका हम वर्गीकरण यहाँ देखेंगे वसाओं का, ये तो एक जनरल बात थी वसाओं के बारे में। इसका वर्गीकरण उसी तरीके से किया गया है जो है वो सरल प्रकार की, दूसरी जो है या तो जटिल कहें या फिर हम संयोगी कह सकते हैं, जटिल या संयोगी। और तीसरी जो है वो डेरिवेटिव या व्युत्पन्न होती है। व्युत्पन्न वसा कोई प्रकार जो हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में पढ़ करके आ रहे थे, सरल वसा की बात करें तो ये सरल है और इनमें एस्टर जो एस्टर बनते हैं और जल का अणु बाहर निकल जाता है। जैसे सरल वसाओं में हम उदाहरण के रूप में लें तो मोम है, तेल है, ये सरल वसाओं का उदाहरण है। ये तो सिंपल प्रकार की है ना, इनमें केवल क्या पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं, यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से जल का अणु बाहर निकल जाता है, सरल प्रकार के वसाओं के कॉमतेल होते हैं। अब हम जटिल संयोगी की बात करें, कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटिव लिपिड की बात करते हैं, तो इसमें जैसा नाम से हमें सीधा पता चलता है, संयोगी का मतलब इसमें सरल ट्राइग्लिसराइड या फैटी एसिड के साथ कुछ और जुड़े हुए घटक इसमें जुड़े होते हैं, जैसे फास्फोरस मिल जाए है ना, सल्फर मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए, इस तरह के कुछ घटक जुड़े होते हैं, तो ये संयोगी वसा हमें प्राप्त होती है। और जैसे हम इसका उदाहरण फॉस्फोलिपिड ले सकते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है फॉस्फोलिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड। अब देखिए लिपिड तो लिपिड है लेकिन आगे फॉस्फो लगा हुआ है, फॉस्फो लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या है, फॉस्फेट का अणु जुड़ा हुआ है। फॉस्फेट का अणु फैटी एसिड के साथ जुड़ा होता है, जुड़ने के बाद संयुग्मन हुआ तो संयुग्मन प्रकार की वसा हमें प्राप्त होती है। ऐसे कई उदाहरण हम संयुग्मी वसा के ले सकते हैं, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स भी होती हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी इसी का उदाहरण है। ठीक है, व्युत्पन्न वसा की बात करते हैं तो इन दोनों प्रकार की वसाओं से ही जो अन्य प्रकार की वसाएं बनती हैं, दोनों प्रकार की वसाओं से जो अन्य प्रकार की वसाएं बनेंगी वो व्युत्पन्न वसा के अंदर आ जाती हैं। और इसमें स्टेरॉइड का विशेष योगदान है, स्टेरॉल जो होती है वो भी वसाएं हैं लेकिन ये व्युत्पन्न प्रकार की वसाएं है ना, इन दोनों से ही ये उत्पन्न होती हैं। कैरोटीनॉइड्स भी इसी में आती हैं, कैरोटीनॉइड ये व्युत्पन्न वसाएं। इस प्रकार से वर्गीकरण तो कोई तीनों में कॉमन है और अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस यानी वसा के क्या क्या कार्य होते हैं, कार्य वसा है हम बात करें तो ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। वसाओं के ऑक्सीकरण से जब हमारी कोशिकाओं में एब्जॉर्ब होने के पश्चात वसाओं का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी जिसको हम एक तरीके से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, उसमें ये काफ़ी अच्छी मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी यानी एटीपी देने का काम करती है। ठीक है, ऐसा माना गया है कि 1 ग्राम वसा से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, है ना।
दूसरी बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में निर्माण का घटक भी बसा होती है, क्योंकि ये हम पहले से जानते हैं सेल मेम्ब्रेन का जो तरल मोजिक मॉडल है उसके अनुसार दो परतें लिपिड की ही होती है, पाई लेयर्स और फॉस्फो लिपिड उसको पाई जाते हैं, बहुत अच्छा घटक ये बनाती है, तो हम भी इसका अपना इम्पोर्टेंट रोल है। उसके अलावा जो वसा में जो घुलनशील विटामिन्स हैं उनके वसा में घुलनशील विटामिन अवशोषण में भी मदद करते हैं, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में भी ये मदद करती है। वसा में घुलनशील विटामिन हम मानते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये वो क्या लिपिड सोल्यूबल विटामिन हैं बी सी को छोड़कर के, वो जल्दी घुलनशील होती हैं, तो इनका अवशोषण में भी ये मददगार होती है, ठीक है। उसके अलावा वसा का अपना और भी महत्व तो है, ये शरीर के तापक्रम को भी रेगुलेट करती है, शरीर के तापमान का नियमन, शरीर के तापमान का नियमन ये नियमित करके रखी जाती है, और फूड स्टोरेज के रूप में भी वसा काम में आती है। वसा कई हमारे जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वसा ऊतक जिनको बोलते हैं, वसा ऊतक एडिपोज टिश्यूज हैं उनमें वसा संचित भी रखी जाती है, वसा ऊतकों में संचय, वसा ऊतकों में संचय भी इनका किया जाता है, और कुछ वसा एक ऐसी है जो इसके अंदर में भी काम आती है, स्कंदन में भी काम आती है, जैसे सिथिलिन जो है, सिथिलिन, ठीक है, सिथिलिन का भी यहाँ उपयोग किया जाता है, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं वसा के, और महत्वपूर्ण घटक तो है ही है। उसके अलावा देखिएगा ये वसा के कुछ सामान्य जानकारी हमने हासिल की, अब हम फूड कंपोनेंट के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स को भी, यानी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है। ये तीन जो घटक हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ये तीन घटक तो भोजन के इम्पोर्टेंट घटक हैं, मेजर घटक हैं, तो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और एनर्जी भी ज़्यादा मात्रा में, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए भोजन में से विटामिन एंड मिनरल्स भी प्राप्त किए जाते हैं, वो भी शरीर को जरूरी होते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के वगैरह जो है उनका भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उनके स्रोत अलग अलग हैं, हरी सब्जियाँ हैं, तेल है, वनस्पति वगैरह है, और दही है, मक्खन है, दूध है, उनसे भी हमें प्राप्त होती है कई प्रकार की विटामिन और मिनरल्स भी हमें वहाँ मिलते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह है, मैग्नीशियम है, ऐसे जो मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा